मैं जब भी अपने दांतों में ब्रश करती हूँ या फिर जब भी सो के उठती हूँ तो मेरे दांतों में कई बार हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? प्लस मुझे लगता है कि मेरे मुंह से स्मेल भी आती रहती है। अलोंग विद दैट मुझे अपने गम्स में थोड़ी सी स्वेलिंग भी नज़र आती है। तो इन सभी के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और इनका इलाज क्या है? चलिए डॉक्टर से पूछते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार आपके ब्रश करते समय या फिर जब भी आप सो के उठते हैं तो थोड़ी सी अगर आपको नज़र आता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग नज़र आती है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही हो सकता है जो 90% मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, यानी कि जिंजिवाइटिस। जिंजीवा यानी कि जिंजाइवा यानी कि हमारी मसूड़े, और आइटिस मतलब जो होता है इन्फेक्शन, यानी कि हमारे मसूड़ों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जिंजिवाइटिस होता है। तो इस कंडीशन को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। अभी होता क्यों है? जनरली जब भी हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं तो हमारे दांतों और गम्स के बीच में, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इन्फेक्शन होने लग जाता है, प्लाक बनने लग जाती है, कैलकुलस बनने लग जाते हैं जिसे हम टार्टर भी कहते हैं, और उसी के साथ बैक्टीरिया भी बहुत सारे ग्रो होने लगते हैं जिससे इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है। अभी इन्फेक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पर स्वेलिंग होने लग जाती है, ब्लड की इडीमा होने लग जाता है, और ऐसी कंडीशन में कई बार ब्लीडिंग भी, जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्लीनिंग, डेंटल क्लीनिंग आपको 101% रिकमेंड की जाती है। इससे क्या होता है, जो भी आपके गम्स और टीथ के बीच में जो भी प्लाक है, कैलकुलस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उसको अच्छे से क्लीन आउट किया जाता है जिससे आपके जो गम्स है वो दांत पे दोबारा से वापस रीग्रो हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आराम से और अच्छे से टाइट सील बना लेते हैं। तो अगर दांतों और गम्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, कैलकुलस नहीं होगी, बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो जाहिर है इन्फेक्शन भी आपका ठीक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो जाती है, ब्लीडिंग थी वो भी ठीक हो जाता है। अब कुछ केसेस में कई बार क्या हो जाता है, जो लोग मुंह खोल के सोते हैं, माउथ ब्रीदर जिन्हें हम कहते हैं, या फिर आप जो ब्रश कर रहे होते हैं वो बहुत ज़ोर से कर देते हैं जिससे इंजरी हो जाती है गम्स में, या फिर कोई नुकीली चीज़, कई बार कोई शार्प चीज़, हम हार्ड चीज़ खा लेते हैं वो कई बार चुभ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रोमा हो जाती है, या फिर देर आर सर्टेन रीजंस ऐसी कंडीशन में जहाँ पे थोड़ा बहुत ही आपका ब्लीडिंग होता है, ऐसी कंडीशन में आप बीटाडीन का माउथ वॉश लेके आ सकते हैं। BETADINE बीटाडीन में बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, या आपके इन्फेक्शन को क्लीन कर देता है, आराम से अच्छा कर देता है, और आपके जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसको आपको कम से कम एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए ज़रूर करें, और दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम, और जिससे आपको लगेगा कि 1-2 दिन में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, जब आपका इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एंड नाउ द थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पायरिया की कंडीशन, जिसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होने लग जाते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जिंजिवाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, वो अगर उस कंडीशन में ही आप क्लीनिंग करा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप तब भी क्लीनिंग नहीं कराते हैं और वो जो फूड पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वो और ग्रो होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस से फिर वो पायरिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से आपकी ओरल कैविटी में स्मेल पैदा हो जाती है, तो वो आपको फील होने लग जाती है और आपको सेंसिटिविटी फील होने लग जाती है। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में दांत भी हिलने लग जाते हैं। तो पायरिया की कंडीशन में भी सबसे पहले तो आपको क्लीनिंग ही रिकमेंड की जाती है ताकि जो जिंजाइवा है, गम्स है, मसूड़े हैं और दांत के
बीच में जो बैक्टीरिया है और प्लाक है उन सबको रिमूव किया जाए ताकि जो गम्स है वो दांतों को वापस से पकड़ ले, होल्ड कर ले, ठीक है। और जब भी आप क्लीनिंग करा के आते हैं उसके बाद आपको अपनी ओरल कैविटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक आपको सुधारनी चाहिए। मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक ज़रूर भेज दूंगी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाई है। अलोंग विद दैट आप कोई भी माउथवॉश यूज़ कर सकते हैं, क्लोराइजेडिन हो गया या फिर लिस्ट्रिन हो गया, ये सभी माउथवॉश भी आपकी हेल्प करते हैं। या फिर नीम की लीव्स का पेस्ट बना के आप उसको अपने गम्स पे, मसूड़ों पे अच्छे से लगाएं जिससे काफ़ी रिलीविंग और सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और हाँ, जब भी आप ब्रश करें ब्रश के बाद फ्लोसिंग करना कभी ना भूलें। फ्लोसिंग में बेसिकली आपको एक वायर जैसी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, उसको आपको दो दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। अक्सर जब भी हम ब्रश करते हैं तो हम नॉर्मल सरफेसिस पे कर लेते हैं पर दांतों के साइड में हम ब्रश नहीं कर पाते हैं और वो एक्चुअली जा भी नहीं पाते, अच्छे से क्लीन कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें फ्लोसिंग हमेशा ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आप रात को जब भी ब्रश करते हैं तो उसके बाद फ्लोसिंग करके आप आराम से सो जाइए, यानी कि दिन में एक बार फ्लोसिंग तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपका सलाइवा थिक है, थिक कंसिस्टेंसी का है, तो आप नियमित तौर पे बार बार पानी पीते रहिए उससे। और पानी भी आपको ऊपर से नहीं पीना है, बेसिकली जो ग्लास होता है ग्लास में आप होंठ लगा के प्रॉपर पानी पीजिए जैसे आराम से पिया जाए। और इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि पानी आपकी सारी टीथ पे सभी से टच करता है और सबको क्लीन करता है, तो इसलिए पानी आप एक अच्छे अमाउंट में ज़रूर पीते रहिए। और एक ऑयल पुलिंग का एक मेथड है जिसमें कोई भी एडिबल ऑयल आप ले सकते हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी हो जाता है, सरसों का तेल हो जाता है, ये कुछ ऑयल्स हैं। इनके हेल्प से आप एक चम्मच या आधा चम्मच आप अपनी ओरल कैविटी में लीजिए और उसको स्विस कीजिए, स्विस बोले तो ऐसे, ठीक है, और कम से कम 4 या 5 मिनट उसको स्विस करिए अच्छे से और उसके बाद स्पिट कर दीजिए और अपने कुरला कर लीजिए। इनसे बेसिकली क्या होता है, आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, ओरल कैविटी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके रिलीज हो जाते हैं ऑयल के थ्रू। और जो आप टूथब्रश यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट कीजिए ताकि आपके गम्स में ज़्यादा इंजुरी ना हो। और फ्लोसिंग हमेशा ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके ओरल हाइजीन मेथड्स में, ठीक है। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और मेरे लाइव सेशन जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आप चैनल की मेम्बरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे चैनल के ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा वहाँ से। अलोंग विद दैट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो do press the like button. Along with that, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. ab milenge next video mein, dhanyawad. koi bhi sapna saakar karne ke liye sabse zaruri hai sahi coach ka hona. chuniye dental empire academy ko aur kare apne dental exams ka sapna saakar. download the app now.